कैसे आप सब दोस्त, आज एक और वीडियो 50x100 1kanal का ये घर है। आज इसका मुकम्मल विजिट करेंगे। अभी मैं सामने खड़ा हूँ इसके घर के बिल्कुल सामने और इसका फ्रंट एलिवेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये है फ्रंट एलिवेशन इस घर का, आप मुकम्मल देख सकते हैं इसको। ये इसका टेरेस है, ये स्टेयरकेस जा रही है और ये फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ है और ये ग्राउंड फ्लोर है इसका, ठीक है। तो मुकम्मल विजिट करवाऊँगा, इंटीरियर दिखाऊँगा इसका। और अगर मैं सामने से देखूँ तो इसका ग्रीन पेड बना हुआ है बिल्कुल घर के सामने। और चलें एंटर होते हैं, ये सामने गेट है इसका और गेट से हम एंटर हो गए। तो बिल्कुल जब गेट से एंटर होंगे सामने इसका कार पोर्च आएगा। तो ये है जी कार पोर्च, इसके कार पोर्च में ये वाला मार्बल लगा हुआ है। और ये है जी इसकी आर्टिफिशियल ग्रास लगा हुआ है इसमें, इसमें निश दी हुई और निश में ये पत्थर लगा हुआ है। और ये इस कार पोर्च का सीलिंग डिज़ाइन है और ये मेन एंट्रेंस। और अगर हम इस तरफ देखें तो इसका ग्रीन पेंट दिया हुआ है, उसमें ग्रास लगी हुई है, पौधे लगे हुए हैं उसमें। और दोनों साइडों पे इसकी 5-5 फुट गली छड़ी हुई है। ये 5 फुट की गली इस साइड पे भी है और 5 फुट गली ये सामने आपको नज़र आ रही है इस साइड पे भी है। और बैक साइड पे इसकी 7 फुट की गली है। और जो मैं आपको सामने से अगर दिखाऊं तो ये सामने से बिल्कुल अगर हम देखें घर को बाहर खड़े तो स्टेयर्स की नज़र आ रही होती है, ये सामने आपको स्टेयर्स नज़र आ रही हैं। और स्टेयर्स में विंडो दी और उस विंडो के सामने बिल्कुल ये प्लांट्स लगे हुए हैं दोनों साइडों पर। एक और ये देखें, उस साइड पे भी विंडो है, इस साइड पे भी विंडो है, तो दोनों साइडों से स्टेयर हमें नज़र भी आती हैं। और ये है इसकी मेन एड्रेस। तो हम मेन एड्रेस से एंटर होंगे तो ये है मेन एड्रेस का, मेन एड्रेस में जो टाइल्स लगी हुई हैं। और ये देखें ऊपर सीलिंग। और मेन एड्रेस से एंटर होते ही मेरे लेफ्ट साइड पे डाइनिंग और ड्राइंग है। और राइट साइड पे मतलब अगर आपको गेस्ट आ जाता है तो आप डाइनिंग से ये देखें, ये वॉशरूम है, ये इसका वॉशरूम। मतलब अगर आपको गेस्ट आ जाता है जो आपको घर नहीं जा, घर जिसको नहीं ले जा सकते तो आप डाइनिंग से सीधा इधर इस वॉशरूम में आ सकते हैं। तो चलिए इसका डाइनिंग देते हैं, बल्कि इससे पहले स्टेयर केस मैं आपको दिखा दूं। तो एंट्रेंस से होते ही जो बाहर से स्टेयर केस आपको नज़र आती है, स्टेयर केस फर्स्ट फ्लोर पर जा रही है। और ये है जी इसके नीचे ग्रास लगी हुई है और उसमें पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इससे जो मैंने आपको बताया डाइनिंग में जाते हैं, सॉरी ड्राइंग में, ड्राइंग और डाइनिंग दोनों इकट्ठी हैं। तो ये है जी इसका सीलिंग डिज़ाइन, ड्राइंग का वॉलपेपर। और सामने ही इसके जो लॉन में आपको विंडो नज़र आ रही है वो लॉन को दिखा रही है सामने। और इस तरफ इसका ड्राइंग है और ये इसका ओपन पेशियो, ओपन टू स्काई है, पेशियो है। और इसमें इन्होंने ग्रास पौधे लगाए हुए हैं। और ये इसकी टाइल है ड्राइंग की, ये वॉलपेपर का सीलिंग डिज़ाइन। तो यहीं से आगे चलते हैं, जब हम ड्राइंग से आगे जाते हैं तो सामने हमारा किचन आ जाता है। तो मैं ज़रा आगे इस तरफ से होकर आपको दिखाता हूँ। ये मेन एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस से एंटर होते ही वो सामने मेन एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस से होते ही मैं आगे चला गया था डाइनिंग में। तो अब अगर मैं सामने बिल्कुल आऊँ, उधर से इधर आऊँ, तो इधर से एंटर होते ही ये जो मेन एंट्रेंस है, इधर से एंटर होते ही इसका टीवी लाउंज आ जाएगा, ठीक है। तो मैं प्लान आपको समझा रहा हूँ, अगर आप भी अपना 1kanal घर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं इजिली, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्लान को। तो ये है जी इसका सीलिंग डिज़ाइन, सामने टीवी लाउंज दिया हुआ है, ठीक है। और LED पॉइंट जहाँ पे LED लगी भी हुई है और साथ फायर के लिए जगह दी हुई है, ठीक है। और मतलब टीवी लाउंज के सामने बिल्कुल ओपन किचन और जिसका दरवाज़ा डाइनिंग से आ भी रहा है। और ये सामने जो मैंने आपको दिखाई थी मेन एंट्रेंस, ये है जी इसका किचन। और किचन से अगर आप आगे जाएं किचन और टीवी लाउंज से तो दो बेडरूम्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं बेडरूम में अंदर जाके, इसके साथ अटैच वॉशरूम भी है, उसका इंटीरियर देखते हैं। ये है जी इसकी टाइल, इसका सीलिंग डिज़ाइन, इसका वॉलपेपर और इसमें वार्डरोब भी दी हुई है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। और ये है जी इसकी वार्डरोब और इसके साथ अटैच वॉशरूम। से हम अगर दूसरे बेडरूम में जाते हैं, वो मास्टर बेडरूम है, ये देखिए जी बेडरूम। मतलब आपका बेड इस जगह पे आ जाएगा और पीछे उन्होंने पहले ही पहला सारा सेटअप करके दिया हुआ है, वॉलपेपर लगा हुआ है दोनों साइडों पे भी, वॉलपेपर थोड़ी थोड़ी जगह पे लगा हुआ है, इसकी टाइल है, इसका सीलिंग डिजाइन और इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है, वो दिखाता हूँ आपको। शॉवर
कमोड, बाथ टब और इसका सेलिंग डिज़ाइन। तो चलें चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और उसका डिज़ाइन देखते हैं कैसा है। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आया उसको लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँची रहे। तो चलिए फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या है। तो ये हम आ गए जी फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होते ही आपको एक खुला खुला घर लगेगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें टीवी लाउंज मतलब स्टेयर केस से आप जब ऊपर आते हैं तो सामने आपको ओपन किचन और टीवी लाउंज नज़र आता है। तो और इसके साथ बिल्कुल मतलब टीवी लाउंज के सामने ओपन टेरेस है, ठीक है। ये देखें जी ओपन टेरेस सामने बिल्कुल, ये शीशा लगा हुआ है उसमें से आपको दिखा रहा हूँ। और ये था जो नीचे मैंने आपको बताया था वो ऊपर उन्होंने ओपन पैशे छोड़ा हुआ है। तो ये देखें आर्टिफिशियल ग्रास लगी है वॉल पे सामने, ये ओपन टेरेस में वो फायर के लिए जगह छोड़ी हुई है, दोनों साइड पे प्लांट्स लगे हुए हैं और इधर भी आर्टिफिशियल ग्रास लगी हुई है। और ये जो सामने आपको विंडो नज़र आ रही है ये मतलब स्टेयर से लेफ्ट साइड पे बेडरूम है और स्टेयर से इस तरफ ये है जी टेरेस का हिस्सा। तो चलते हैं इस बेडरूम की तरफ। टाइल वॉलपेपर वॉल पे इसका सीलिंग डिज़ाइन एंड इसके साथ अटैच वॉशरूम है वो देखते हैं। तो ये था जी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टीवी लाउंज और ओपन किचन, ये किचन ना ओपन और सामने इसका ये एलईडी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। और इसका सीलिंग डिज़ाइन और टेरेस में आगे पहले ही आपको बता चुका हूँ, एक बेडरूम दिखा दिया और आप इसके बाद दो बेडरूम्स हैं मतलब टीवी लाउंज और ओपन किचन से आप आगे जाएं तो ये एक बेडरूम है, ये स्टोर है और इस साइड पे मतलब टेरेस के साथ ये देख रहे हैं आप ये वाला, ये मतलब इस बेडरूम की है विंडो, ठीक है। ये बेडरूम स्टोर बेडरूम तो इसमें चलते हैं। वॉलपेपर इसका सीलिंग डिज़ाइन विंडो एंड इसका फ्लोर टाइल का वुडन जैसे टच दिया हुआ है टाइल में तो वो लगा हुआ है। और इसका ये है अटैच वॉशरूम और इसमें सीलिंग। तो दूसरे बेडरूम में चलते हैं। सेम उसी तरह की टाइल, इसमें वॉलपेपर सीलिंग डिज़ाइन और इसके साथ भी अटैच वॉशरूम दिया हुआ है। तो ये था जी आज का प्लान 50x100 का। फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर में दोनों आपको विजिट करवाए, टोटल मिला के इसमें 5 बेडरूम्स हैं, 2 किचन है, 2 टीवी लाउंज है, 1 डाइनिंग 1 ड्राइंग विद टेरेस, स्टेयरकेस बहुत टॉप क्लास, सीलिंग बहुत अच्छी की गई है, तमाम इंटीरियर बहुत अच्छा किया। अगर आप मुझे तो बहुत अच्छा लगा है